डील्स गेमिंग, जहां पर मैंने फर्स्ट वीडियो भी डाल दिए, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है रोजा नंबर 28 और ईद के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं, और इसका मतलब घर में साफ सफाई यहाँ चालू हो चुकी है। तो अभी घर में साफ सफाई चल रही है और ये हमारे रायल भाई खड़े हुए हैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? तो फिलहाल तो अपन करते हैं घर की साफ सफाई, तो चलिए चलते हैं। बोल रहे थे हाँ, झाड़ू पोछे करना है इनको। हाँ, तो करना ही पड़ेगा, वो तो हमारा घर है, काय की शर्म इसमें। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन के खिड़की की साफ सफाई चल रही है रगड़ रगड़ के यहाँ पर, और यहाँ से पूरा व्यू दिखता है हमारे बिल्डिंग का, नीचे का, ये देखिए सामने का, क्या बात है। ये देखिए पूरे गीले कपड़े से साफ सफाई चल रहे हैं। अभी पंखे वंखे भी साफ करेंगे अपन लोग ऊपर चढ़ के, तो ये तो मस्त चीज़ है कि पंखे साफ करना है, और ये झाड़ू पोछा तो लगता ही है रोज, बाकी जो जो भी जाल वाल होंगे कोने कोने में वो साफ करेंगे। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ अभी सभी भाई के बाल कटवाने, क्योंकि सभी भाई के बाल बहुत बड़े हो रहे हैं और अजीब से लग रहे हैं, तो इसलिए अभी सभी भाई के हम बाल कटवाने आ रहे हैं, वही हमारे नेशनल सैलून। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के बाल कितने बड़े हो रहे हैं, और अम्मा ने आज इनको बहुत चिल्लाया इसलिए सभी भाई आज बाल कटवाने आ रहे हैं। देखिए आप लटे, देखिए आप। अरे मियाँ बहुत स्मार्ट लग रहा, रहन दो। यहाँ पर सैलून तो आ चुके हैं और सभी भाई के बाल कटेंगे। सभी शर्मा क्यों रहा तुम? छबील तुम तो ऐसी बाल रख लो, अच्छे लग रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और हम लोग असर की नमाज पढ़ के आ चुके हैं, और मैं सभी भाई के बाल भी कटवा के आ गया था, और अब मैं सभी भाई का न्यू लुक दिखाता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर ये है सभी भाई का न्यू लुक, आप देख सकते हैं कि आप बाल कटे हैं, ये दाढ़ी भी कटवा दी है, और ये देखिए बाल तो इनने ऊपर के, मैं इनसे बोल भी रहा था थोड़े और कटवा लो, लेकिन सभी भाई तो सभी भाई, ये देखिए आप, ये स्टाइलिश, बस वही तो है। तो फिलहाल मैं और नबील भाई अभी जा रहे हैं फिश एंड फन, क्योंकि मछलियों का जो है खाना खत्म हो चुका है, और नबील भाई कह रहे हैं कि वाइट रेत भी ले लेंगे क्योंकि ईद आ रही है, तो ईद पे एक्वेरियम हम लोग वाइट रेत बिछा देंगे, तो वो देखते हैं कैसी लगेगी। और नबील भाई पुणे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी सिटी है भाई, कह रहे हैं पुणे बहुत अच्छी सिटी है। नाइस। फिश एंड फन तो आ गए थे और अभी फूड भी ले लिया, हिटकारी का चिचलेट बायो गोल्ड प्लस, अभी तो छोटा वाला डब्बा लिया है क्योंकि जो बड़ा वाला डब्बा आता था इससे बड़ा वो उस स्टॉक में अभी चल नहीं रहा, और फिलहाल यहाँ पर वाइट रेत ले रहे हैं। यहाँ पर ये है वाइट रेत 60 रुपये, तो यही वाली लेंगे 60 रुपये किलो है जो, तो ये ले लें, अच्छी लगेगी भाई ये ईद पे। कैसी होती भाई, शक्कर की तरह लग रही है, लग रहा है किसी ने शक्कर पीस के रख दी है। तो मछलियों को खाना लेके तो आ गए थे घर, और अभी टाइम हो रहा है 6:19 और अफ्तारी का टाइम बस होने वाला है, और जब से नबील भाई आए हैं ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं, कहने लगे कि मैं नीचे आ रहा हूँ, गाड़ी एकदम लिफ्ट के सामने लाके खड़ी कर देना और मेरा इंतज़ार करना। मेरा इंतज़ार करना, ये क्या बात हुई? पुणे से आए ऐसा लग रहा, पता नहीं कहाँ विदेश वगैरह से आए हैं, बहुत बड़ा काम करके, और पता नहीं क्यों। नबील भाई कैसा लग रहा है आपको, आए अफ्तारी करोगे घर पर बहुत दिनों बाद? हैं, जवाब ही नहीं दे रहा है, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। तो ये वीडियो उन सब के लिए डेडिकेटेड है जो भी मेरे भाई या बहन अपने मतलब घरों से बाहर हैं, मतलब पढ़ाई के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, इंशाल्लाह अल्लाह आपका सबर का अजर देंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। मैं मानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, भाई ने मुझे बताया थोड़ा मुश्किल होता है कि घर से दूर जब अफ्तारी करते हैं बुरा लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ये अल्लाह इसका अजर ज़रूर देगा आप सभी को और मेरे बड़े भाई को भी। तो नबील भाई को पुणे में आम नहीं मिल रहे थे, तो पापा से कल उन्होंने बोला, और पापा माशाल्लाह इतने बड़े बड़े आम लिया है, देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े आम है, वहाँ पर 100 रुपये का एक आम मिल रहा है, और अम्मा ने ऐसे छुपा के रख दिया जैसे नबील भाई के अलावा कोई खा नहीं पाए। वाह अम्मा वाह, वेरी गुड। तो ये जो आम है कल आए थे और इसमें से बहुत सारे ख़त्म हो गए क्योंकि आम रस भी बन गए और हमने काट काट के भी खा लिए, वरना इसके डबल आम आए हुए थे। तो अभी टाइम हो रहा है 7:40 और इफ्तारी भी हो चुकी है, मगरिब की नमाज़ पढ़ के भी आ रहा है, और अभी मैं और नबील भाई जा रहा है हमारी नानी के घर, और 2-3 हमें छोटे मोटे काम है, और यहाँ पर ये रायल भाई और रायल भाई के दोस्त हैं। इब्राहिम मिलोगे सबसे, पूरे फैमिली से मिलो। तो ये हमारे इब्राहिम भाई रायल के न्यू फ्रेंड हैं, ये यहीं रहते हैं, सबको हाय कर दो। हाय।
तुम्हें क्या पसंद है खाने में बता दो। मुझे मैंगो। मैंगो और चिकन। चिकन चिकन और भजी है तो भाई को चिकन। अंगूर भी है ना, अंगूर भी अच्छे लगते हैं। अंगूर भी अच्छे लगते हैं, चिकन भी अच्छा लगता है और मैंगो भी अच्छे लगते हैं। और जूस में क्या? मुझे मैंगो। जूस में भी मैंगो वाला जूस अच्छा लगता है। नाइस नाइस, गिरा मत देना उसको। तो फिलहाल हम और नवील भाई तो जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो नानी के घर से तो आ गए थे, और जब नानी के घर से आ रहे थे तो हम लोग सफ़ेद रेत रहने भी रुक गए थे। यहाँ पर वो है ये रेत वाइट वाली, अब एक्वेरियम में ब्लैक हटा के वाइट रेत डाल देंगे। और अभी मैंने इसको पैकेट में से निकाल दिया है। अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ी देर पानी में रखना है। तो अभी मैं पानी डाल देता हूँ उसमें, ताकि ये थोड़ी साफ़ हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये काला काला थोड़ी गंदी हो रही है, तो इसको थोड़ी देर के लिए पानी में रखते हैं। तो अब मैं पानी डाल देता हूँ उसके अंदर। तो पानी तो अब हमने भर लिया, अब हम लोग पानी डाल देते हैं इसके अंदर। ये पानी अब हमने लिया, पानी क्यों डाल रहा है, ये पूरी साफ हो जाएगी, पूरी अंदर घुस जाए। ये क्या? रेत। कौन सी रेत? सही पानी डालना है अपन को, ताकि ये अंदर बस इसको कवर कर ले बस। अब ये जो रेत है ये साफ हो जाएगी, बंद कर दो। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द गेमिंग की वीडियोस भी डाला करूंगा, तो मैंने गेमिंग का एक अलग से ही चैनल बना लिया, क्योंकि व्लॉग तो अलग चीज़ हो जाती है और गेमिंग अलग चीज़ हो जाती, तो इसलिए मैंने गेमिंग का एक अलग ही चैनल बनाया। और अभी मैं गेमिंग वीडियो ही बना रहा था। तो जो मेरा गेमिंग चैनल है वो है अदील्स गेमिंग, जहाँ पर मैंने फर्स्ट वीडियो भी डाल दिए, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है माई फर्स्ट फ्री फायर मैक्स गेम प्ले अदील्स गेमिंग। ये देखिए मेरी फ़ोटो भी बनी है। तो आप ये वाले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा ये वाले ब्लॉग के। तो आप जल्दी से जाके ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आने वाली हमारी गेमिंग वीडियोस, फ्री फायर की वीडियोस, GTA 5 की वीडियोस, गेमिंग ट्यूटोरियल्स, हाउ टू डाउनलोड गेम्स, और जो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि मुझे ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो सारी वीडियोस इस चैनल पे आने वाली है, जो भी गेमिंग से रिलेटेड हैं या ट्यूटोरियल से रिलेटेड हैं, या अगर आपको जानना है कि कौन सा गेम कैसे डाउनलोड करना है, तो वो सब इस चैनल पे आएंगी। और जो मेरी गेम प्ले वाली वीडियोस भी रहेंगी, वो सारी वीडियोस इसी चैनल पे आने वाली है। तो आप इसको जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये वीडियो भी आप लोग जाके देख लीजिएगा, माय फर्स्ट फ्री फायर मैक्स गेम प्ले वीडियो। कितना अच्छा लग रहा हूँ ना मैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5, और आज है अलविदा जुमा, और अभी हम फजर की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं, और फिर सुबह अलविदा जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। तो या गाइस, यही था आज के व्लॉग में। आए तो दिखा दी ना। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया। अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।